वेलकम टू टेक गैलरिया फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जो हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर था जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से है, उसमें हमने बात ये की थी कि हम अपने क्रिप्टो अकाउंट में डिपॉज़िट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपने बाइनांस वॉलेट में कैसे डिपॉज़िट कर सकते हैं, कैसे हम USDT ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा पार्ट टू है, ठीक है। और उसका टॉपिक ये है कि हम अपने USDT सेल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में सेल कैसे कर सकते हैं। तो दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने बाइनांस अकाउंट से अपना विदड्रॉ कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और नॉट ओनली आप कह लें कि ये बाइनांस के लिए तरीका है, बल्कि बाकी सारी एक्सचेंजेस का भी सेम यही तरीका होगा, जो इस पर मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल टेक गैलरिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने जाना है अपने वॉलेट्स की तरफ, ठीक है, वॉलेट्स, बल्कि आपने बैक आ जाना है होम पे। सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में, ठीक है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आता है हमारे पास एक पेमेंट मेथड्स, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने P2P पेमेंट मेथड ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। जिस भी तरीके से जो भी आपके पास अकाउंट है वो पेमेंट मेथड आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, क्योंकि आप पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तो ही अगला बंदा आपको USDT या अकाउंट में आपके पैसे भेजेगा, तो आप उसको विदड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेंगे तो ज़ाहरी बात है आपका जो कह सकते हैं आप USDT सेल करेंगे तो उसकी पेमेंट आपको रिसीव नहीं होगी, ठीक है। अब ये मेरा P2P पेमेंट मेथड है, यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो ये सामने मेरे पास आ गया है कि जैस कैश का पेमेंट मेथड है, उसका मैंने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अकाउंट नेम दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप जब आप आएंगे इस इंटरफेस पे तो आपको ऐड पेमेंट मेथड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास आ सकते हैं। पाकिस्तान में है तो जैस कैश, ईजी पैसा भी आपके पास आ सकता है। ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ईजी पैसा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ईजी पैसा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम जो है वो ऑलरेडी पिक कर लेगा, जो भी आपके अकाउंट का नेम है वो खुद ही उठा लेगा बाइनांस, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर आपने मैन्युअली टाइप कर देना है, ठीक है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है, एडिट लिखा आ जाएगा पेमेंट मेथड में। फिर आपने जाना है वॉलेट्स में, ठीक है, डायरेक्ट वॉलेट्स में जब आप जाएंगे तो फंडिंग में आएंगे, ठीक है। फंडिंग के क्लिक करने के बाद आपने जाना है P2P की तरफ। अब ये मैंने P2P पे क्लिक कर दी है, ठीक है, बाय, एक तरफ बाय है और एक तरफ सेल है। अब आपने यहाँ पे करने हैं सेल, USDT आपने सेल करने हैं, ठीक है। सेल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे जो बैठे हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसको आपने स्क्रॉल करना है, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे हर पेमेंट का, हर जो ट्रेडर का है उसका अलग अलग रेट आपके पास आएगा कि वो कौन से रेट से परचेजिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। 248, ये अगर सबसे पहला मैं देखूँ 248.73 है, फिर 248.73 अगले का भी है, अफजल ट्रेडर्स है, AB ट्रेडर्स है, इसी तरह हर बंदे का डिफरेंट रेट है, ठीक है। आपने अपनी लिमिट चेक कर लेनी है कि कितनी लिमिट का आप कितने USDT बेचना चाहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपने अपनी लिमिट के हिसाब से देख लेना है सब कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10,000 के USDT सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ ये MK ट्रेडर्स है एक मेरे पास, ठीक है, इसकी लिमिट भी मिनिमम लिमिट सेलिंग लिमिट है 10,000 रुपया, तो इसको मैं इजीली सेल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं सेल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे 10,000 लिखूँगा, 10,000, ठीक है, ओ बल्कि सॉरी, यहाँ पे अपनी USDT की अमाउंट लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 100 USDT सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं 24,856 रुपये, ठीक है। सेल विद ज़ीरो फ़ी पे क्लिक करेंगे हम,
सेल विद ज़ीरो फ़ी पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे, हमारे पास कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अगला बंदा जब चैट का ऑप्शन सॉरी आ जाएगा, अभी मैं जाऊंगा नहीं उस तरफ क्योंकि अभी मैं सेल नहीं करना चाह रहा, तो एवं मैं क्लिक कर दूँ अगला बंदा मुझे पेमेंट सेंड कर दे तो वो फिर थोड़ा सा अजीब ही मामला हो जाएगा। ठीक है, वीडियो का मकसद है आपको समझाने का, सेल विद ज़ीरो फ़ी जब अगला बंदा आपको पेमेंट सेंड कर देगा, एक तो आपने कन्फर्म करनी है, अपने अकाउंट में चेक करना है कि आपको उतने ही अमाउंट आई है जितने USDT आप सेल कर रहे हैं या उससे कम है या ज़्यादा है। अगर कम या ज़्यादा है तो आपने उसके साथ चैट करनी है, ठीक है, कि भाई मैं अमाउंट तो इतनी बन रही है और आपने मुझे इतने पैसे सेंड किए हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर तो आपको वो सेंड जब कर देता है, एक्यूरेट अमाउंट आपके पास आ जाती है, तो आपने करना ये है कि आपने उससे स्क्रीनशॉट मंगवाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने बाइनांस पर ही मंगवाना है, जहाँ पे बाइनांस पे चैट का ऑप्शन बना हुआ होगा। जैसे ही आप सेल पे क्लिक कर देंगे, चैट का ऑप्शन बना हुआ होगा, जैसे ही वो आपने आपके आपको करेगा स्क्रीनशॉट सेंड, तो वो ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई सेलर नोटिफाई बायर पे क्लिक करेगा, आपके पास एक रिलीज़ का बटन आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्लिक कर देना है रिलीज़ पे, ठीक है, और रिलीज़ पे क्लिक करने के बाद आपके जो क्रिप्टो हैं वो उस बंदे के पास चले जाएंगे जो आप सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये था P2P का मेथड के कैसे हम अपने USDT सेल कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स आप बाइनांस के ऊपर अपने क्रिप्टो वगैरह सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेल करने के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। इसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम बाइंग कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।